जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर लिया है, तो ठीक है, आज के क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज मतलब चैप्टर थ्री का ये पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर थ्री में समझेंगे आखिर कितना बार हमें चर आ जाए। मतलब हम भैंस बकरी थोड़ी है चरेंगे, लेकिन फिर भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को समझना है। द्विघात समीकरण में सिर्फ हम एक ही समीकरण या x के रूप को ही देख देते हैं, लेकिन यही अगर हम आपके सामने बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, जैसे x और y को ही बात करेंगे। तो तरह तरह की विधियां आएगी, विलोपन विधि आएगी, सत्यापन विधि आएगी, प्रतिस्थापन विधि आएगी, मतलब हर एक ब्रज गुणनखंड विधि आएगी, हर एक तरह की विधि आएगी, जिसे एक एक तरीका से हमें सीखते जाना है, करते जाना है, तैयार करते जाना है। तो आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने अपने घरों में। अब बढ़िया से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर अपने आज क्लास को, और आशा करते हैं आप आज का क्लास हमारा एकदम महत्वपूर्ण क्लास रहेगा और एक एक चीज को समझने का आज आप अपने क्लास में प्रयास करिएगा। तो अगर हम शुरू करते हैं आज के क्लास को, तो सबसे पहले इस चैप्टर का हेडिंग देते हैं। इस चैप्टर का नाम की बात करें तो चैप्टर थ्री है हमारा, और ये चैप्टर थ्री में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर हम इन इंग्लिश वी से दैट इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब भैया चरना होता है, चरना नहीं होता है बालक, समझने का प्रयास करना। देखो होता क्या है, अगर हम चर के सामने, तुम लोग के सामने अगर चर की बात करते हैं तो समझने का प्रयास करो। देखो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर तुम लोग के सामने बात करें कि एक, अगर हम बात करते हैं दो, अगर हम बात करते हैं तीन, अगर हम बात करते हैं चार, अगर हम बात करते हैं पांच, तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये संख्या है, क्या इस संख्या को आप बदल सकते हैं, क्या इस संख्या को आपके द्वारा बदला जा सकता है क्या? तो भैया आप पागल हो गए क्या, एक दो तीन चार को हम बदल सकते हैं? तीन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो नियतांक के वैल्यू को आप बदल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट जो भी रहता है उस कांस्टेंट के वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। लेकिन भैया ये चर का मतलब, आप तो चर हमको बताने जा रहे थे चर का मतलब क्या है, तो बालक देखो समझने का प्रयास करो चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब जिसका वैल्यू बदल सके, जैसे कि मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो या चला रही हो, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, अगर तुम या तुम गाड़ी चली रही हो जो भी कर रही हो वो बात की बात है, लेकिन अगर बात करते हैं तो गाड़ी चला रही, अगर गाड़ी जैसे जस्ट सपोज हम अपना लैम्बोर्गिनी को बनाते हैं और ये हमारा लैम्बोर्गिनी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैम्बोर्गिनी है, और ये लैम्बोर्गिनी को कौन ड्राइव कर रहा है, तो हम ड्राइव कर रहे हैं। जस्ट सपोज इस लैम्बोर्गिनी के द्वारा अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो क्या ये एक ही स्पीड से, हमको जाना है पटना, कहां जाएंगे भैया जाएंगे पटना तुम लोग का रिजल्ट सुधरवाने के लिए, तुम लोग को फर्स्ट डिवीजन दिलवाने के लिए, मांग करने के लिए, हम मेरे छात्र को फर्स्ट डिवीजन दिया जाए। तो जब मैं पटना जाऊंगा तो क्या एक ही चाल से पटना जाया जाएगा क्या? नहीं भैया, पटना आप जब जाइएगा तो अलग अलग चाल से जाइएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बालक कि हम जब पटना जाते हैं तो अलग अलग चाल हमारा चेंज होते रहता है। अगर हम शुरू किए अपने घर से तो शुरू करने के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भैया हम गए रोड पर गए तो 50, 60, 70, 80, इस तरह की स्पीड से मेरा लैम्बोर्गिनी चल रहा है, 100 के 110, मतलब स्पीड हमारा बार बार चेंज हो रहा है। तो जो चीज बार बार बदलता है उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जैसे भैंस को चराने लेके जाते, क्या एक ही घास को चरता है क्या? वो नहीं, एक घास को नहीं चरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंस भी अलग अलग घास को चरता है। इस प्रकार से तुम लोग भैंस हो, तो तुम लोग क्या हो? भैंस हो। तो इसका मतलब बार बार तुम लोग चरोगे और अलग अलग जगह चरोगे, तो क्या अलग अलग जगह चरोगे तो वो चर है कि नहीं है? चरना नाम काहे पड़ा है तुम लोग को पता है?
चरना नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अलग अलग जगह चरता है। तो चर मतलब जो बार बार चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, देखो तो नियतांक समझ में आया और चर समझ में आप लोगों को आ गया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखो होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें या उदाहरण, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कक्षा 9 में आप लोग थोड़ा मोड़ा अगर कुछ भी पढ़े होंगे तो दो चर के रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण को हम लेते हैं। ठीक है बालक, तो अगर हम कुछ उदाहरण को लेते हैं, जैसे जस्ट सपोज एक उदाहरण हम लिए, एक उदाहरण है हमारा 2x + 3y = 5। 2x + 3y = क्या हमारा हो गया? 5 हो गया। और यहीं पर हम यहाँ ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक और लेते हैं, जैसे जैसे सपोज x - 2y - 3 = 0। और एक उदाहरण लेते हैं, अभी हर एक उदाहरण को समझाते हैं, सिर्फ समझने पर विशेष फोकस करिएगा। अच्छा देखिए, आइए समझिए और करने का प्रयास करिए। देखिए होता क्या है, अगर हम रैखिक समीकरण, यहां पर क्या बात कर रहे हैं, रैखिक, जिस चीज को रेखा में, जिस चर को रेखा में हम बदल सकते हैं उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसमें दो चर है, दो चर कहने का मतलब एक्स और वाई, अलग अलग एक्स और वाई। अच्छा यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करिए, दो का वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं क्या? दो का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा हम तीन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या? तो हम तीन का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू चेंज होगा वो एक्स और वाई का होगा। तो एक्स और वाई हमारा क्या है? चर है। और दो और तीन हमारा क्या है? नियतांक है। नियतांक कहने का मतलब क्या हुआ? नियतांक कहने का मतलब हुआ कांस्टेंट, जो जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सके। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चर का, तो चर क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग दो तरीका का, तीन तरीका का इक्वेशन को लिखने का प्रयास किया। एक इक्वेशन हमारा 2x + 3y = 5, तो और यहाँ पर इक्वेशन को देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या है हमारा? ये समीकरण क्या है? x - 2y, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा = 3। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जीरो से कोई भी चीज गुना होता है तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो x - 0 = -2, तो x = क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू हमारा, तो इस समीकरण से हम क्या देख रहे हैं? इस समीकरण से हमारा एक्स का वैल्यू निकला। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चर मौजूद नहीं है, यहाँ पर एक ही चर मौजूद है जो कि एक्स है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास एक्स भी चर है, हमारे पास वाई भी चर है, एक्स चर वाई चर। तो इस तरह से अगर हम एक जनरल सूत्र बनाने का प्रयास करें, अगर इस तरह से आप लोगों के सामने अगर हम जनरल सूत्र बनाने की बात करें, अगर रैखिक समीकरण की जनरल सूत्र बनाने की आप लोगों के सामने बात करें, तो रैखिक समीकरण का जनरल सूत्र होता है ax + by + c = 0। देखो बालक समझो कि भैया आप लिखे क्या है, आ जाओ इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं, 2x + 3y = क्या है? 5 है। ठीक है, अच्छा यह हम ले लेते हैं इसको -5। अभी आप लोगों को समझाने के क्रम में हम इसको ले लिए -5, तो 2x + 3y, ये माइनस को हम क्या कर लेते हैं? इधर आके प्लस में ले आते हैं, +5 = 0। अच्छा a हमारा क्या है? a हमारा नियतांक है, a हमारा क्या है? नियतांक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। x और y हमारे पास क्या है? x और y हमारे पास चर है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए x और y लिए। और b क्या है? b भी नियतांक है। c क्या है? c भी नियतांक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका जनरल सूत्र, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम जनरल सूत्र की अगर बैठाने की बात करें, तो जनरल सूत्र हमारा क्या होता है? ax + by + c = 0 होता है। जहां पर a की बात करें तो a हमारा 2 है, b हमारा 3 है और c हमारा क्या है? 5 है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए और इसी में हम एक एक चीज को सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा चीज, हमारा ये जो चैप्टर है
ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, और इसी को सीखना है हमें और जानना है। अब सबसे पहले एक चीज समझना, अब हमको सबसे यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ या बीज गणित के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। देखो दो तरीका का अगर हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो एक्सरसाइज 4 3.1 को हमको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम दो चीज को सीखेंगे, एक होता है बीज गणित रूप और एक होता है ग्राफीय। ग्राफ के रूप को सीखने के लिए ग्राफ भी सीखेंगे और बीज गणित के रूप को भी सीखेंगे। आओ देखते हैं, आओ सीखते हैं और बीज गणित के रूप को भी सीखेंगे और ग्राफ के रूप को भी सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक अगर हम बात करते हैं तुम लोगों के सामने, तो एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर को समझिएगा, उदाहरण से हम समझाने का आप लोगों को दोनों रूप में समझा देंगे, एक बीज गणित रूप और एक ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप में हम इसको समझाएंगे। बीज गणित रूप क्या होता है, ग्राफ का रूप क्या होता है, दोनों रूप को हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल समझिएगा, सवाल है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला नाम की एक लड़की थी और वो लड़की स्टेशनरी के दुकान, स्टेशनरी मतलब जहां से पढ़ाई लिखाई का चीज मिलता है, रोमिला एक स्टेशनरी के दुकान पर गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदती है। कितने रुपए में? 9 रुपए में 3 पेंसिल तथा रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि रोमिला एक दुकान पर जाती है, दुकान पर जाने के क्रम में 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ को खरीदने का प्रयास करती है और उसकी फ्रेंड जो थी सोनाली वो भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती। तो हमें इस जो भी हमारा ये जो सवाल है उसको बीज गणित के रूप में और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। समझिए हम सवाल को हल नहीं करना है, हल करने का भी तरीका को सीखेंगे, सिर्फ हमें व्यक्त करना है, व्यक्त करके जानना है। आइए देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो हम ले लेते हैं पेंसिल को, पेंसिल को हम क्या ले लेते हैं, पेंसिल को ले लेते हैं एक्स और रबड़ को ले लेते हैं हम वाई, रबड़ को क्या ले लेते हैं वाई ले लेते हैं। अब रोमिला जो है 2 पेंसिल खरीदती है, 2 पेंसिल मतलब 2x और 3 रबड़ खरीदती है, 3 रबड़ का मतलब 3y और दोनों को मिलाकर जब खरीदती है तो उसको कितने रुपए पड़ती है, 9 रुपए पड़ती है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करिए उसकी फ्रेंड, ये सोनाली है, ये रोमिला है, रोमिला और ये सोनाली, सोनाली क्या करती है 4 पेंसिल खरीदती है और 6 रबड़ खरीदती है और दोनों का दाम इसको पड़ता है 18 रुपया। आ जाओ भैया बीज गणितीय रूप क्या होता है इसे आप समझाइए। देखो बीज गणित के रूप की अगर हम बात करते हैं तुम लोगों के सामने तो समझने का प्रयास करना है, बीज गणित रूप पे कुछ नहीं है, बीज गणितीय रूप स्पेलिंग या को प्रोनाउन स्पेलिंग पे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बीज गणित रूप की अगर बात करते हैं तो कुछ मत करो, पहले इस समीकरण को पकड़ो, इस समीकरण को पकड़ो, एक समीकरण हो गया तुम्हारे पास 2x + 3y = 9 और अगर हम दूसरे बारे में बात करें तो इस समीकरण को दूसरा बार पकड़ो 4x + 6y = 18। समझते जाना आसानी से, हौले हौले धीरे धीरे एक एक चीज को समझते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज। हम क्या किए बीज गणित रूप में, पहले एक समीकरण को लिखे इस तरफ, एक तरफ इस समीकरण को लिखे, एक डब्बा बनाओ। ए भैया ये डब्बा उब्बा क्या बोल रहे हैं आप, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, इसका इधर भी एक डब्बा बनाओ, इधर भी एक डब्बा बनाओ और इस डब्बा में एक ऊपर में लिखो एक्स, नीचे में लिखो वाई और बीच में को डंटी दे दो। एक तरफ लिखो एक्स, एक तरफ लिखो वाई, बीच में को डंटी दो और यहाँ पे भी को डंटी दो, ठीक है, 1 2 3 4 बस हो गया, बात खत्म। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकलेगा। हम x का कुछ भी वैल्यू रखें, हम x का कुछ भी वैल्यू रखें, उस x के वैल्यू पुट करने पर हमारा y का कुछ भी वैल्यू आएगा और इसको हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे। और बीज गणित रूप हमें यह बताता है, समझने का प्रयास करना, देखो बालक बीज गणित रूप जो है हमें यह बताता है कि x का कोई भी वैल्यू भरो और x के वैल्यू भरने के बाद y का वैल्यू क्या आएगा उस चीज को लिखो।
अच्छा देखो, तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या लिए 0, देखना देखना यहां देखो, x का वैल्यू हम क्या ले लिए 0, तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। हाँ तो ये संपूर्ण 0 इसको हटा दो, 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। अच्छा अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। और जैसे ही इस समीकरण को बनाएंगे उसका वैल्यू 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू 3 आया, और हम y का वैल्यू अगर 0 बन रखते हैं तो y का वैल्यू को 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 3 गुने 0 बराबर 9। तो ये संपूर्ण 0 इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 2x बराबर क्या 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/2। तो इसका मतलब y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का 0 वैल्यू पुट करने के बाद हमारा x का वैल्यू क्या आ जाता है, 9/2 आ जाता है। तो अगर 9/2 की बात करें तो 9/2 हमारा कितना 4.5 हो गया, बात खत्म। तो इस तरह से ये जो इस रूप में, जिस रूप में हम इसको व्यक्त किए इसको कहते हैं बीज गणितीय रूप। बीज गणित का मतलब होता है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू या y का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें जिसको सॉल्व करने के बाद e वाला आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो y का वैल्यू जैसे देखो 2x, अब देखते जाना 2 गुने, यहां समझे थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं, समझने का प्रयास करो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं, देखते जाइएगा आप लोग, 2 गुने x है, तो x की अगर हम बात करते हैं तो x हमारा कितना है 9/2 आया, तो 2 गुने 9/2 प्लस 3 गुने y कितना है हमारा 0, और हमें कितना लाना है 9 लाना है, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 0 गुना हुआ 0, बचा क्या 9, तो आंसर 9/9 आया। तो इसका मतलब बीजगणित रूप वो रूप होता है जिसके वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू है सेम यही उतर कर क्या हो जाए, आ जाए, इसे ही बीजगणित रूप कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं, आगे समझने का आप लोग प्रयास करिए। अब इस समीकरण को देखते हैं, इस समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, तो इस समीकरण में ये देख रहे हैं कि हमारा समीकरण है 4x + 6y = 18। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इस समीकरण में x का वैल्यू को 0 भर, तो x का वैल्यू जब 0 भरे तो 4 गुने 0 प्लस 6 गुने y बराबर क्या 18। तो 4 को 0 से गुना किए तो संपूर्ण 0, और 6y बराबर क्या हो जाता है 18 हो जाता है, तो y बराबर 18/6, 6 * 18, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अच्छा हो गया, बात खत्म। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू, आप बोलिएगा भैया 0 ही का है खाली ले रहे हैं, जीरो ही खाली लेने का क्या मतलब है, क्यों जीरो खाली ले रहे हैं, जीरो मत लीजिए, ठीक है हम लोग एक ले लेते हैं, बात करते हैं y का वैल्यू एक ले लिए, y का वैल्यू जैसे एक लिए तो 4x प्लस 6 गुना 1 बराबर क्या 18, समझते जाओ आसानी से, तो 4x प्लस 6, अब देखते हैं 4x बराबर, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 6, तो 4x बराबर 18 में से 6 को घटाएंगे तो 12 बचता है, तो x बराबर 12/4 किए तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 3 आता है, और x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है 3 आता है। तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, और ये जिस रूप में हम लोग इसको व्यक्त किए इसे हम बीज गणितीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम बीज गणितीय रूप कहते हैं बालक। अब चलो इसको मिटाते हैं और हम ग्राफ की विधि को सीखते हैं, किस विधि को सीखते हैं, ग्राफ की विधि को, और ये जो हमारा डब्बा, इस डब्बा को हम लोग रहने देते हैं, इसी डब्बा की मदद से हम ग्राफ को खींचना सीखेंगे, इसी डब्बा से हम लोग ग्राफ को सीखना खींचेंगे। बीज गणितीय रूप आप लोग को आशा करते हैं समझ में बीज गणितीय रूप जो है आ गया होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस डब्बा को हम लोग पहले इधर लिख लेते हैं, उसके बाद इस डब्बे को भी हम लोग मिटा देंगे। अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या आया, x और y हमारा 0 और 3 एक तरफ, और 9/2 और 0 एक तरफ। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं तो एक x और y आया हमारा, x और y, x हमारा 0 आया तो y 3, y को 0 पुट किया तो x हमारा 3, y को 1 पुट किया तो x हमारा क्या आ गया 3 आ गया।
हमारे पास दो को आ गया समीकरण। अब देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं और हम सीखते हैं ग्राफी विधि को, और ग्राफी विधि को करने का प्रयास करते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, और समझने पर विशेष फोकस करिए। गणित है, जिस तरह से अगर समझ में आ गया, मैथ्स अपने से आप भी बना लीजिएगा, लेकिन समझना विशेष फोकस होना चाहिए। आइए हम क्या करते हैं, अब ग्राफ को खींचते हैं, ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम अगर आप लोगों के सामने बात करूं तो एक ग्राफ को इस तरह से खींचा जाता है, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसको अगर हम शून्य पुट करें, ये क्या है हमारा, ये हमारा मूल बिंदु है। जिस तरह से हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये हमारा मूल बिंदु होता है, ग्राफ होता है। अगर ऊपर वाली बात करें तो ये हमारा वाई अक्ष हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्स अक्ष हो जाता है। तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं, इस तरह से आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नंबरिंग कर रहे हैं, ये प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छह। उसी तरह इधर जाए तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच। उसी तरह ऊपर बात करें तो एक यहाँ दो यहाँ तीन चार पांच छह। नीचे बात करें तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकल तरीके से, ग्राफीय विधि से इसे व्यक्त करना है। तो ग्राफीय विधि से व्यक्त किया तो सबसे पहला इसका व्यक्त करते हैं, इस वाले समीकरण का। तो इस वाले समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा समीकरण है हमारा, तो 2x plus 3y is equal to 9 और 4x plus 6y is equal to 18, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम अगर x को 0 भरते हैं तो x हमारा 0, तो ये x अक्ष है और x अक्ष पे हमारा क्या है, ये 0 है। तो y हमारा क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ये हमारा पहला, हमारा 0 x को दर्शाता है और ये 3 को दर्शा रहा है। तो ये वाला बिंदु हमारा 0 और 3 हो गया। ठीक है, अब y अक्ष की बात करें तो y अक्ष को 0 रखने के बाद, y अक्ष यहाँ पर 0, और तो हमारा x अक्ष क्या आ जाता है, 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0 और 9/2। तो ये हमारा y को दर्शाता है, ये x को, ये x को, ये y को। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अच्छा, तो इस लाइन को हम पहले क्या कर देते हैं, ये जो लाइन मिला ये लाइन को हम खींच देते हैं। तो ये वाला लाइन कौन से समीकरण का है, ये वाला लाइन की बात करें तो ये लाइन 2x plus 3y बराबर 9 का है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, दूसरा समीकरण में देख रहे हैं x हमारा 0 है और y हमारा 3 है, x 0 y 3, तो यही पर है, तो ये भी 0 और 3। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, x हमारा क्या है, x हमारा 3 है और y हमारा 1 है, y हमारा 1 है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये समीकरण है, इस तरह से यहां पर। तो ये समीकरण यहाँ पर क्या हो गया, ये समीकरण 3 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया। तो इसी पर हम इस समीकरण को क्या कर दिए, इसी पर हम इस समीकरण को, यहाँ से इसका भी 0 और 3 यहीं पर था, इसी का भी 0 और 3, तो इसी के ऊपर ये समीकरण क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर सट जाएगा, हो गया बात खत्म। ये हमारा, ये जो ऊपर से लाइन बना ई वाला, किसका समीकरण हो जाएगा, 4x plus 6y बराबर 18 का हमारा ये समीकरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 1 यहीं पर ज्वाइन कर रहा है, एक इसका, एक किसका, वाई का, और एक्स किसका, 3 का। हो गया बात खत्म, तो लाइने पर है, तो ये लाइन पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर, और 3.1 को जानने का प्रयास करते हैं, और 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको समझिएगा, अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। एक एक समीकरण को बीज गणितीय रूप में, और जो भी हमारा ग्राफी विधि है उसे हम व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के ऊपर। प्रश्नावली 3.1 को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की, प्रश्नावली 3.1 की, और उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब अपने बेटी से कहता है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मतलब कहीं ना कहीं अफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़े थे, 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की थी, आयु का था।
अब से 3 साल के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं अफताब का समझना थोड़ा सा। अफताब के आयु को हम एक्स ले लेते हैं, जो उसका बाप है उसके बाप के आयु को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, मतलब उसके पिताजी के आयु को हम लोग एक्स ले लेते हैं। अब उसके पुत्री की आयु की बात करते हैं, मतलब अफताब की बेटी का, तो बेटी का आयु हम लोग क्या ले लेते हैं, बेटी का आयु हम लोग वाई ले लेते हैं। अच्छा, अफताब 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले मतलब दोनों का आयु 7 साल पहले, और ये कह रहा है कि हम तुमसे 7 गुना अधिक बड़े थे। 7 साल पहले हम तुमसे कितना गुना अधिक बड़े थे, 7 गुना, और किससे बड़े थे, तो अपना बेटिये से ना बड़ा था, कौन बड़ा था, अफताब बड़ा था। तो अफताब 7 साल पहले अपने बेटी से 7 गुना बड़ा था, ये पहला कंडीशन, ये क्या पहला कंडीशन है हमारा, इस चीज को समझो फिर से। अफताब कहता है कि हम 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब एक्स माइनस 7, अफताब की उम्र से 7 साल पहले, उसी तरह उसकी बेटी भी 7 साल पहले ही होगी, कहीं ना कहीं 7 साल पहले अगर दोनों की चर्चा हो रही है तो दोनों की चर्चा 7 साल पहले की करेंगे, और 7 साल पहले दोनों में अगर बात करते हैं तो अफताब अपनी बेटी से 7 गुना अधिक बड़ी थी। तो अगर हम 7 गुना अधिक की परिकल्पना करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो 7 गुना अधिक मतलब ऐसे कि क्यों अपनी बेटी से वो 7 गुना अधिक बड़ा था, ठीक है। तो अफताब अपनी बेटी से 7 गुना अधिक बड़ा था, तो एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7। अब हम दूसरा कंडीशन के ऊपर आते हैं, दूसरा कंडीशन को समझिएगा। दूसरा कंडीशन है कि 3 वर्ष के बाद, मतलब 3 साल बाद आप बोल रहे हैं, तो 3 साल बाद मतलब x प्लस 3, 3 साल के बाद, तो x प्लस 3 और उसकी पुत्री का भी वायु 3 साल बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो पुत्री की वायु भी y प्लस 3, तो दोनों की, अब ये बोल रहा है कि हम 3 साल बाद जो हम तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा होंगे, तो x प्लस 3 गुने 3 y प्लस 3, बात खत्म। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 और x प्लस 3 3y प्लस 3। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं और दोनों को बीजगणित के रूप और ग्राफी रूप में इसको व्यक्त कर देंगे, हो गया हमारा सवाल बन गया, बस खत्म, देखते जा समझते जाना। यहां पर अगर हम पहला कंडीशन की बात करें तो x माइनस 7 7y माइनस 49, ठीक है, देखते जा इसको इधर लेके आते हैं, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 7, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 7, तो माइनस 49 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा माइनस 42, तो क्या हो गया माइनस 42 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 42 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना, पहला समीकरण हमारा बना। हम दूसरा समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, तो ये समीकरण को इधर लेके आते हैं, उसको इधर भेजते हैं, तो x माइनस 3y, क्यों माइनस, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया, और ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 होगा, तो हमारे पास ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण बन के तैयार हुआ है, और वो 2 समीकरण कौन कौन सा है, एक है x माइनस 3y और एक है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अच्छा, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे चलते हैं और बीजगणित के रूप में और इसको ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करके बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो एक हमारे पास इक्वेशन होता है एक्स माइनस 7वाई बराबर माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स माइनस 3वाई बराबर 6, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त करते हैं और बीजगणित के रूप में व्यक्त करने के बाद ग्राफ में व्यक्त करेंगे। सबसे पहला हम एक डब्बा बनाते हैं और वो डब्बा रहेगा एक्स वाई इस तरह से और जी यहाँ इस तरह से, इस तरह। ये किसका रहेगा, ये इस समीकरण का रहेगा, और इस समीकरण का डब्बा हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से, तो एक्स वाई फिर यहाँ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहां तक, यहाँ ये देखें कि अब हम इसे बीजगणित के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास ये आता है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। हम एक बार x को जीरो पुट करते हैं, तो x को अगर जीरो पुट करते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7y बराबर क्या 42, y बराबर क्या 42 बटे 7, तो 42 बटे 7 को करें तो 7 × 42, तो मतलब x को अगर हम जीरो पुट किए तो y हमारा कितना आया, 6 आया।
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि दिमाग यहाँ पर ये लगाना है कि अब अगर हम वाई को 0 पुट करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक्स माइनस 7 वाई बराबर क्या है, -42। अगर हम वाई को 0 पुट करते हैं तो संपूर्ण ये पूरा 0 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -42। और ग्राफ में 42 खींचना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम ये करते हैं एक्स को सामने लेकर जाने का प्रयास करते हैं, एक्स को जो है सामने ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन है एक्स माइनस 7 वाई बराबर -42, तो ऐसा कौन सा संख्या ले जो कि इसके सामने पहुंच जाए। तो 7 5 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, तो कहीं ना कहीं एक्स माइनस 7 गुने -6 लेना होगा। y का वैल्यू कितना लेना होगा, मैं माइनस से, आप बोलिएगा -6 क्यों लिए, दिखाते हैं अभी क्यों -6 लिए। देखिए तो ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42 बराबर -42, तो x बराबर -42 प्लस 42, तो कट के क्या हो गया, 0। अब आपके मन में आएगा अगर हम प्लस लेते तो, प्लस लेते हैं ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पर माइनस नहीं लिए, अगर माइनस नहीं लेते तो 7 6 42 हो जाता और यह माइनस उधर जाके क्या हो जाता, और ये सॉरी ओ गलती हो गया, सॉरी इस चीज को समझिए थोड़ा सा। हम यहाँ पर y बराबर 6 लेंगे, y बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 6 42, तो ये जो माइनस था, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 42 से 42 0। अब आपके मन में आएगा कि हम यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लेंगे, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस जब प्लस हो जाता है तो उधर जाके प्लस माइनस हो जाता है, तो -42 -42 लेंगे तो ये तो जुट जाएगा, तो इसका मतलब हम y बराबर क्या लेंगे, प्लस में 6 लेंगे ना कि माइनस में 6 लेंगे। y बराबर क्या लेंगे, प्लस में 6। फिर से समझिए एक बार, x माइनस 7 वाई बराबर क्या, -42। अब y का वैल्यू हमें क्या लेना है, एक तो x का वैल्यू निकाल लिए, तो y का वैल्यू एक बार क्या करिए, y का वैल्यू एक बार आप 6 ले लीजिए, तो y का वैल्यू जैसे ही 6 लेते हैं तो x बराबर -6 बराबर -42, तो x बराबर -42 बराबर -42, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर -42 प्लस 42 बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू 6 पुट करने के बाद x का वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया ये जो आप बताएं यही तो फिर से आप दोबारा वही बता दिए, ये तो फिर से आप वही दोबारा बता दिए y का वैल्यू 6 लेके, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन फिर से वही बन जाएगा। तो फिर से देखो x माइनस 7 वाई बराबर -42, देखो बीजगणित के रूप में थोड़ा सा ध्यान देते हुए बनाना है, समझते जाना है। तो हम क्या लेते हैं, x बराबर -7 गुने 5 बराबर -42, तो x बराबर -35 बराबर -42, तो x बराबर उधर जाके -42 प्लस 35, तो -42 प्लस 35 के, तो माइनस प्लस माइनस 35 7 42, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, x का वैल्यू हमारा -7 आएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर हम y का वैल्यू 6 पुट किए तो हमारा फिर से वही दोहरा जाता, y का वैल्यू 6 पुट करने के बाद x भी 0 आ जाता, इसलिए हम ये क्या किए, y का वैल्यू 5 पुट किए और x का वैल्यू -7 पुट किए, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा फिर से समझना, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, x माइनस 3 वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर -3 वाई बराबर 6, तो x का वैल्यू को क्या लेते हैं, हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 0 पुट किए तो -3 वाई बराबर क्या, -3 वाई बराबर 6, तो -3 वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -6/3, तो 3 से 6 जो है 3 से 2 बार में कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आया, -2 आ गया। अच्छा अब y का वैल्यू क्या लिया जाए, अब एक काम करो, x माइनस 3 वाई बराबर क्या होता है, 6 होता है, तो x माइनस 3 गुने y का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू क्या होता है, 6 आ जाता है, y का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू क्या आ जाता है, 6 हो जाता है, और y का वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -2 हो जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही होगी। अब चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ विधि से इसको ग्राफ पर खींच के इसको बनाकर खत्म करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा समझने का प्रयास करिए, एक एक चीज को ध्यान दीजिए और बढ़िया है ये सब चीज पे आप एकदम से फोकस करिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को हम सीखेंगे, आगे देखेंगे और समझिएगा थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। तो इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा -6। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3, ये हमारा -4, ये हमारा -5। देखते जाओ, अलग समझते जाओ। एक्स को हम एक बार क्या करना है, हमें एक्स को 0 पुट करना है। तो एक्स को हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। एक्स को 0 पुट करने के बाद वाई हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 और 6 को पुट किए इस तरह से। अब वाई को 5 भरने के बाद वाई को क्या, वाई को 5 लेते हैं। तो वाई क्या लिए, 5। तो एक्स हमारा क्या आ गया, -7 आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर -7 भी होगा, तो एक्स हमारा क्या आ गया, -7। तो ये तो कहीं ना कहीं, अब इसको यहां से इस तरह से देखो, यहां देखो, तो यहां पर ये पॉइंट मिल रहा है एक दूसरे से, तो ये क्या आ जाएगा, 5 और -7 पॉइंट। अब देखो क्यों, यहां पर थोड़ा सा समझो, ये हमारा 0 और 6 हो गया, और ये जो बिंदु यहां पर हो रहा है, एक क्या हमारा वाई, ये हमारा किसको दर्शा रहा है, इधर वाला एक्स को दर्शा रहा है -7, और इधर वाला जो वाई को दर्शा रहा है। तो -7 ये हो गया, 5 जो है हमारा ये हो गया। अच्छा, तो इस रैखिक समीकरण को किस तरह से मिलाएंगे, इस रैखिक समीकरण को कुछ इस तरह से मिलाएंगे, यहां से ये ऐसे चला गया। अच्छा, दूसरा समीकरण पे आओ, एक्स हमारा क्या है, 0 है, एक्स हमारा क्या है, 0 है, और वाई हमारा -2 है, वाई हमारा क्या है, -2 है। तो ये 0 और -2 हो गया। दूसरा समीकरण, वाई हमारा क्या है, 0 है, और एक्स हमारा क्या है, 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 0। तो इसका मतलब ऐसे अगर बात करें तो इस समीकरण यहां से इस तरह से, मतलब यहां से काटा है, आप समझिएगा थोड़ा सा, एक दूसरे को यहाँ पर इस तरह से काटा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, और इस तरह से बनने के क्रम में हमारा एक्स -7 वाई बराबर -42, एक्स -3 वाई बराबर 6। तो उसी तरह से सवाल है, उसी तरह से करना है, बस हो गया बात खत्म। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, दूसरा नंबर सवाल को आते ही करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को जानते हैं, और दूसरा नंबर सवाल को देखने के जरा हमें थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट देंगे आपको, दूसरा आपको बनाना है, सिर्फ बीजगणित के रूप में व्यक्त कर देना है और ग्राफ में खींच देना है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, दूसरा नंबर सवाल है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, 3 बल्ला 6 गेंद खरीदता है 3900 रुपया में, और तीन फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदती है। ठीक है, देखो खरीद क्या होता है, सवाल समझना। मान लेते हैं एक क्रिकेट टीम का कोच जो है बैट और बॉल को खरीदता है, बैट को खरीदना और बॉल को खरीदने में, 3 बैट को खरीदना और 3 6 बॉल को खरीदने में वो ₹3900 खर्च करता है, और बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा, मतलब एक बल्ला और 3 गेंद खरीदता है, उसको ₹1300 पड़ता है। तो इसका मतलब हमको बीजगणित और ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है। समझो, हम बल्ला को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, बल्ला जितना भी वो खरीदता है एक्स ले लेते हैं, बल्ला का रुपए को हम लोग क्या ले लिए, एक्स रुपए, और गेंद का जो रुपए है, गेंद का जो पैसा है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई रुपए ले लेते हैं। ठीक है, तो गेंद और बल्ला, मतलब बल्ला का ₹1 और गेंद का ₹1। अब अगर हम पहला कंडीशन की बात करते हैं तो 3 बल्ला खरीदता है और कितना गेंद, 6 गेंद खरीदता है, दोनों का दाम उसको पड़ता है ₹3900। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है जिसको वो पड़ता है ₹1300 का पड़ता है। तो दोनों को हमको बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, तो आ जाओ देखते हैं बीजगणित के रूप में, एक्स वाई यहाँ इस तरह से बटा, इस तरह से ये बटा। दूसरा दूसरा समीकरण की बात करते हैं तो एक्स और ये वाई इस तरह से ये बटा, इस तरह से ये बटा। अब देखो ये 1300 है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारा ये आ जाता है। तो अगर यही पर हम बात करते हैं हमारा 1300 के क्रम में, तो 1300 तो काफी ज्यादा संख्या है, तो 1300 काफी ज्यादा संख्या है, तो उसे हमें चेक करना है और जानना है। आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसके समय पहुंच जाते हैं, और x का उतना बड़ा भी वैल्यू हमें नहीं ले लेना है जो कि हम पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए यहाँ पर, तो नहीं। तो करना क्या है, करना यह है कि हमको डिवीजन में बांट देना है, हमको क्या करना है, डिवीजन में बांट देना है। 100 का ले लेंगे, 50 का लेंगे, वो कैसे करेंगे, इसको हम समझाते हैं। एक्स का वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू को 0 पुट करो।
तीन एक्स प्लस छह वाई बराबर क्या 3900। तो x का वैल्यू जीरो, तो 6y बराबर क्या 3900। ठीक है, तो y बराबर 3900 बटे 6, 6 के 36 हो जाता है, 3 बचा 6 पंचे 30 650। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 650 आ गया। अब y को क्या कर दो, पुट कर दो जीरो। तो 3x प्लस 6 को y को हम जीरो पुट कर रहे हैं बराबर 3900। तो ये हो गया शून्य पूरे तरीका से। तो 3x बराबर 3900, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 1300। x बराबर हो गया क्या हमारा 1300। तो x हमारा कितना हो गया 1300 हो गया। अरे इतना सारा हमको समीकरण को पुट करना पड़ेगा, नहीं समझो थोड़ा सा, एकदम दिमाग देना, ध्यान देना, कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पर देखते हैं x को जो है, अभी समीकरण पे आते हैं, x को क्या पुट करें जो कि 1300 के लमसम में वो 3 जो है 1300 से कट जाए। तो देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, x को जो है 100, x को जो हम 100 पुट कर देते हैं, x को जो है 100 पुट कर देते हैं, x को 100 रखते हैं, x प्लस 3y बराबर क्या 1300। तो x को जैसे ही 100 भरे तो 3y बराबर क्या 1300, और 3y बराबर ये 100 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1300 में से 100 को घटाए तो क्या 1200, तो y बराबर 1200 बटे 3। तो 1200 बटे 3 किए तो 400 हो गया, 1200 बटे 3 किए तो क्या हो गया 400 हो गया। तो इसका मतलब हम x को अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y बराबर, x को 100 पुट कर रहे हैं तो x हमारा, y हमारा कितना आ जा रहा है 400 आ जा रहा है। अच्छा अब y को क्या पुट करते हैं, तो y को एक काम करो, y को यहाँ पर 0 पुट करो, तो y को जैसे ही 0 पुट करोगे x क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। अरे बताइए अब इतना बड़ा इक्वेशन हमारा बन गया भैया, इस बड़े इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस बड़े इक्वेशन को कैसे देखा जाए, कैसे कैसे क्या करें इस इक्वेशन को। देखो कुछ नहीं करना है, समझना, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, तुम लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है, इसे समझना है। हम क्या करते हैं ग्राफ को खींचते हैं इस तरह से, ये जो हमारा क्या दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है, बालक समझो थोड़ा सा, ये जो हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारा जीरो है ये, इसको अब डिविजन में किस तरह से बांटे, तो कुछ मत करो, इसको ले लो तुम सीधा, ले लो 100, ये ले लो 200, यहाँ ले लो 300, यहाँ ले लो 400, फिर यहाँ ले लो 500, फिर ले लो 600, इसी तरह करते करते 1300 तक चले जाना। और नहीं ठीक है, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, इसको ले लो 200, इसको ले लो 400, इसको ले लो 600, इसको ले लो 800, इसको ले लो 1000, इसको ले लो 1200, इसको ले लो 1400। 1400 से तो पार कोई है ये नहीं है, ठीक है यहाँ पे आ जाओ, इसको -200, इसको -400, इसी तरह करते 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 -1300 तक चले जाना, मतलब -1400 तक। उसी तरह यहाँ 200, यहाँ 400, यहाँ 600, यहाँ 800, यहाँ 1000, इसी तरह करते करते हम क्या चल जाएंगे, ऊपर की ओर चल जाएंगे। यहाँ पर भी वही -200, यहाँ -400, यहाँ पर -600, यहाँ पर -800, उसी तरह नीचे करते करते चल जाएंगे। अब x हमें क्या पुट करना है, 0, और y हमारा है 650, तो कहीं ना कहीं 650 कुछ यहाँ पर लाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 0 और 650 का बन गया। दूसरा 1300 है और y हमारा क्या है 0 है, तो y 0 और x हमारा क्या है 1300, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 1300 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि y 0 और ये हमारा 1300, तो y क्या है 0 और x 1300 और 0। देखो थोड़ा यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ थोड़ा समझो, x हमारा 0 हुआ, y हमारा 650, तो कहीं ना कहीं ये 650 हो जाएगा, तो हमारा 0 और 650 का यहाँ पर बन गया। तो 0 और 650, x हमारा 0 और y हमारा 650, और इसमें दूसरा वाले में y हमारा 0 और x हमारा 1300, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से बना देंगे इस तरह से। दूसरा यहाँ पे x हमारा क्या है 100 है, तो x हमारा यहाँ पर कहीं 100 है, और y हमारा क्या है 400 है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 400, 100 और 400 का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, ये जो बिंदु है 100 और 400 का बन गया। ठीक है, उसके बाद x हमारा है 1300 और y हमारा है 0, तो x हमारा है 1300, x 1300 और y हमारा है 0, तो यहीं पर फिर से 1300 और 0 का एक बनेगा, तो ये इस तरह से ये वाला जो है यहाँ पर एक दूसरे को काटेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये जो है ये समीकरण आपको समझ में आया होगा, और ये काफी अच्छा सा समीकरण है जिसे हम आगे सीखेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि
बहुत ही ये जो है हमारा टर्म एंड कंडीशन जो है आगे जो हमारा अप्लाई हुआ है ये, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये बड़ा सा था, और ये बड़ा सा था तो आसानी से हम इसको बड़े बड़े रूप में विखंड कर देंगे। चाहे हमेशा याद रखना है ये जो हमारा बड़ा वाला चीज है इसे हम बड़े बड़े विखंड के रूप में तोड़े, क्या कि हमारा 1300 था, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक दो करके लेते तो बढ़ती का ग्राफ माने है तो बड़का ग्राफ हमको लेके बनाना पड़ता, तो वो हमारा कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे और बड़े बड़े विखंड को बड़का बड़का रूप में तोड़ लेंगे, 200, 400, 600, 800, 200 के, 400 के फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे और 400 के फॉर्म में तोड़ के बना देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और एक दो काफी आसान सा सवाल था जिसे हम बीजगणित और इसमें भी बना लिए। अब आपका काम है इसे तीसरा नंबर सवाल को बनाना, होमवर्क में बनाना। तीसरा नंबर सवाल काफी आसान सा सवाल है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, अच्छे से चैप्टर को बनाते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है, मैथ्स है, एग्जाम है बगल में, और थोड़ा से समय से पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।